बिहार एनडीए में सीट के बंटवारों को लेकर पेच अब फंसता दिख रहा है। एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दल अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीट शेयरिंग का पेच फंसा दिया है। सीट शेयरिंग का पेच फंसने के बाद अब बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है और नाराज सहयोगियों को मनाने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के भीतर गहमा गहमी शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दल कम सीट मिलने से नाराज हो गए हैं। सबसे पहले एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बीजेपी से जहां लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 1 सीट पर दावा ठोक दिया है, तो वहीं अब मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी बीजेपी से अधिक सीटों की मांग कर दी है। ऐसे में अब नाराज सहयोगियों को मनाने में का काम शुरू हो गया है। एक तरफ जहां नाराज मांझी को मनाने के लिए बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके आवास पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। इन मुलाकातों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। श्रुतों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी 17, जदयू 16, लोजपा रामविलास 3 और हम 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 और राष्ट्रीय लोजपा को 2 सीट देने का फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं हैं और बीजेपी से और अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। गठबंधन में शामिल जदयू के किसी भी हाल में अपनी सीट छोड़ने नहीं जा रही, ऐसे में बीजेपी को ही अपनी सीटों से समझौता करना पड़ सकता है। अब बीजेपी की तरफ से नाराज सहयोगी को मनाने की पहल शुरू कर दी गई है। वहीं आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह का दौरा बिहार के विक्रमपाली में होने वाला है। बता दें कि जिस तरीके से अपने सहयोग को लगातार मनाने में बीजेपी लगी हुई है, वहीं क्या बीजेपी इस प्रयासों में सफल हो पाती है या नहीं, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवाणी उसके साथ।